हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम लोग, पृष्ठ रसायन। और आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग। आज की हमारी टॉपिक होगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कैटालिसिस कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। तो ये सारे टॉपिक शामिल होंगे आज की वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम चलते हैं उत्प्रेरण की डिफिनेशन पर, जिसके बाद हम आप लोगों को उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है और ये उत्प्रेरक किस तरह से कार्य करता है, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलो पहले उत्प्रेरण की डिफिनेशन पे चलते हैं। तो चलो बच्चों, हम आ गए हैं उत्प्रेरण की डिफिनेशन पे और इसी के अंतर्गत उत्प्रेरक भी शामिल है। तो देखते हैं उत्प्रेरण कैटालिसिस, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। और परिवर्तित कर देने का मतलब या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तथा अभिक्रिया के अंत में स्वयं रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह डिफिनेशन उत्प्रेरक के लिए हो गई, उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। फिर से देखो, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में स्वयं रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक के साथ संपन्न हो रही है तो यह घटना उत्प्रेरण कहलाएगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया या तो तेजी से संपन्न हो रही है या और मंद गति से संपन्न हो रही है, तो यह घटना उत्प्रेरण कहलाएगी। बच्चों, कई बार ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाता है कि उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या है, चाहे उत्प्रेरक वह पदार्थ है। विकल्प मिल जाएंगे आपको, विकल्प मिलेगा जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, बी कर देगा जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है, सी कर देगा जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, और डी कर देगा जो रासायनिक अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या टिक करेंगे, हम टिक करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। और रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, इसको हम लोगों ने चौथे चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा है, देखा है, या हम अलग अलग एग्जाम्पल देके उत्प्रेरण को और स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, फिर इसके बाद उदाहरण पे आएंगे हम। मान लो आपको इलाहाबाद से बॉम्बे पहुंचना है या फिर इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचना है। आपके पास कई माध्यम उपलब्ध हो सकते हैं। आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो भिन्न भिन्न माध्यमों से पहुंचने में क्या अंतर होगा? एक ही चीज़ का अंतर होगा, आप पैदल भी जा सकते हैं। एक चीज़ का अंतर होगा, समय का। और रासायनिक अभिक्रिया की दर में समय का ही महत्व है, समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमको अगर इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचना हुआ तो एरोप्लेन सबसे जल्दी पहुंचाएगी, अर्थात एरोप्लेन एक बढ़िया उत्प्रेरक का कार्य कर रही है हमारे लिए। और स्वयं वह एरोप्लेन ही है, हमको छोड़ के हमारे साथ तो रहेगी नहीं, हमको वहाँ से उठाई छोड़ के उसको फिर जहाँ जाना होगा जाएगी, ठीक है। तो वह एक माध्यम हो गई जो हमारी समय का बचत कर रही है। इसी तरह रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक क्या होते हैं? केवल एक माध्यम बनते हैं, वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, कम समय में ही अभिक्रिया को संपन्न कर देते हैं, या अभिक्रिया की दर को कभी-कभी घटा भी देते हैं। तो इनको हम कहते हैं उत्प्रेरक। और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देने और घटा देने वाले कॉन्सेप्ट पे अगर आप गौर करें तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप उदाहरण द्वारा समझें, उदाहरण ले रहे हैं।
स्टूडेंट्स, आपने हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कई बार पढ़ा होगा, या हम फिर से दिखा रहे हैं। हैबर विधि से अमोनिया गैस का निर्माण कैसे किया जाता है? हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है और चाहिए होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, N2 और H2, ये 3 और 1 के अनुपात में लेते हैं और कैटलिस्ट वाले चैम्बर में भेजते हैं, जहां आयरन का चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है या कैटलिस्ट है, और हमको प्राप्त क्या हो जाती है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक है। 3H2+N2 और Fe जो है यहाँ क्या कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का, आयरन का चूर्ण है, और इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक आयरन का चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और इस तरह अमोनिया बन रही है। अभिक्रिया बिना आयरन के चूर्ण के भी संपन्न हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की गति बहुत ही स्लो होगी, बहुत मंद होगी। यहाँ पे अमोनिया के निर्माण की गति को और बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम चूर्ण भी प्रयोग में लिया जाता है, और मॉलिब्डेनम चूर्ण का कार्य क्या है, मॉलिब्डेनम चूर्ण इस उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देता है, उस स्थिति में यह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, यह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। इसको भी हम एक अलग हेडिंग के अंतर्गत बताएंगे कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस अभिक्रिया में हम H2S गैस प्रवाहित करा दें, H2S गैस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराएं, तो इस आयरन के उत्प्रेरण की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, अभिक्रिया की गति धीमी हो जाएगी, अमोनिया का निर्माण धीमी गति से होगा, अतः इस अभिक्रिया में H2S उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर रहा है, तो उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। अभिक्रिया में H2S की उपस्थिति अभिक्रिया की गति को कम कर देती है, क्योंकि यह आयरन चूर्ण की सक्रियता को घटाती है। H2S यहाँ जो उत्प्रेरक उपस्थित है, आयरन चूर्ण, उसकी एक्टिविटी को ही कम कर देती है, अतः यह आयरन चूर्ण की एक्टिविटी कम कर रही है, इसलिए उत्प्रेरक विष है, अतः H2S उत्प्रेरक विष है। इस अभिक्रिया के लिए H2S क्या कार्य करेगी, उत्प्रेरक विष का कार्य करेगी। उसी तरह मॉलिब्डेनम चूर्ण अगर इसमें मिला दिया जाए तो यह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा, ठीक है। एक और उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण 2, ये पहला उदाहरण हो गया, यह उदाहरण 2 है। पोटेशियम क्लोरेट, यह है पोटेशियम क्लोरेट 2KCLO3, CLO3 है। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। यह अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, अधिक तापक्रम पे संपन्न होती है, लेकिन जब इस अभिक्रिया में हम MnO2 मिलाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण मिलाते हैं, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट के साथ, यह है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट के साथ अगर MnO2 का चूर्ण डाल के गर्म करें तो अभिक्रिया कम ताप पे ही होगी, तेजी से संपन्न होगी, ऑक्सीजन के बनने की गति तेज हो जाएगी, अतः MnO2 यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, या MnO2 यहाँ क्या है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अब आप उत्प्रेरक को जान पाए होंगे, अब हम चलते हैं उत्प्रेरण के प्रकार पर, कि उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्प्रेरण कुल 2 तरह के होते हैं,
एक समांगी उत्प्रेरण, दूसरा विसमांगी उत्प्रेरण, और अंत में इसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण को भी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलो उत्प्रेरण के प्रकार पे चलते हैं। उत्प्रेरण का प्रकार अभिकारकों व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा विसमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालिसिस और या हेटरोजीनियस कैटालिसिस है। तो समांगी उत्प्रेरण में हम लोग देखेंगे कि अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं एक समान होंगी, जबकि विसमांगी उत्प्रेरण में हम देखेंगे कि अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होंगी। भौतिक अवस्थाओं से तात्पर्य हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस से है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग समांगी उत्प्रेरण को देखते हैं, फिर उसके बाद विसमांगी उत्प्रेरण देखेंगे। समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालिसिस, तो समांगी उत्प्रेरण को देखो आप, जब अभिकारकों व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं एक तरह होंगी, एक जैसी होंगी, और उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो यहाँ देखें, जब हम लेट चैम्बर प्रोसेस द्वारा H2SO4 का निर्माण करते हैं तो वहाँ हमको सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड में कराना होता है, और यह अभिक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। यहाँ हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं इसको, देखें आप, यह है सल्फर डाइऑक्साइड और इसका ऑक्सीकरण होता है नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये टू मॉलिक्यूल्स होंगे SO2 के और बनता है 2SO3। यह सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है। तीनों की अवस्थाएं हम देख लें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस। तो ये दोनों अभिकारक हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक। यहाँ अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएँ समान हैं, तीनों ही गैसीय अवस्था में हैं, अतः इनको हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखो, जब हम शुगर का जल अपघटन कराते हैं, चीनी का जल अपघटन कराएंगे, तो चीनी का जलीय विलयन बनाएंगे, तनु H2SO4 डालेंगे, और जल अपघटन कैसे होता है आप देखो, चीनी का सूत्र है C12H22O11। जल अपघटन कराना अर्थात जल के अणु का जुड़ना, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ यह चीनी का जलीय विलयन है अर्थात यह लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड H2O लिक्विड है, और डाइल्यूट H2SO4 भी क्या है, लिक्विड है। अर्थात अभिकारक और उत्प्रेरक ये सारे किस अवस्था में हैं, द्रव अवस्था में हैं, अतः यह समांगी उत्प्रेरण है। और अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, जब शुगर का जल अपघटन बनता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, दोनों के लिए सूत्र एक ही है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज का अणु और दूसरा फ्रक्टोज का अणु, ठीक है। समांगी उत्प्रेरण आप समझ गए होंगे, अब विसमांगी उत्प्रेरण पे चलते हैं हम। विसमांगी उत्प्रेरण या हेटरोजीनियस कैटालिसिस, जब अभिकारकों व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो इसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं।
तो विसमांगी उत्प्रेरण में क्या होगा, अभिकारकों की भौतिक अवस्थाएं और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाओं में अंतर होगा। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यहाँ लिखा हुआ है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, गैसीय अवस्था होगी, नाइट्रोजन है, यह भी गैस होगा, या आयरन है, तो आयरन क्या होता है, सॉलिड स्टेज में होता है। तो अभिकारकों की भौतिक अवस्थाएं गैस हैं, जबकि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 3H2+N2 से बन रहा है आयरन, उत्प्रेरक है, यह है गैस, यह भी गैस, और यह है ठोस, सॉलिड। गैस गैस और उत्प्रेरक सॉलिड हो गया। यह हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। और यह किस तरह का उत्प्रेरण है, विसमांगी उत्प्रेरण है। एक अन्य उदाहरण लेंगे जिसमें हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं वनस्पति तेलों से। तो वनस्पति तेल लिक्विड स्टेट में होंगे, वेजिटेबल ऑयल ये क्या होंगे, लिक्विड स्टेज में होंगे। इनका हाइड्रोजिनेशन होता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है जो गैसियस स्टेज में होता है। और यहाँ हम निकिल चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। तो निकिल चूर्ण उत्प्रेरक है और इसकी भौतिक अवस्था है सॉलिड। और यहाँ हमको प्राप्त होता है वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि अभिकारक हो गए वनस्पति तेल और हाइड्रोजन। वनस्पति तेल लिक्विड अवस्था में है, हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में है, और यहाँ उत्प्रेरक सॉलिड अवस्था में है। अतः यह विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो यह हमारी आज की टॉपिक खत्म हुई। अगली टॉपिक में हम उत्प्रेरकों की क्रियाविधि बताएंगे, उत्प्रेरक किस तरह से कार्य करते हैं, और पृष्ठ रसायन चैप्टर के अंतर्गत उत्प्रेरक को रखने का कारण क्या है, किस कारण से पृष्ठ रसायन चैप्टर में ये रखे गए हैं। तो अधिशोषण सिद्धांत भी पढ़ाएंगे कि उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।